मिथ्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, तो आइए शुरू करते हैं। पालक पनीर के लिए मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 हरे मिर्च और 2 टमाटर ले लिए हैं। प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची को हम एक साथ मिक्सर में पीस लेंगे, टमाटर को हम अलग से पीसेंगे। अब हम इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने अदरक, प्याज और लहसुन, हरी मिर्च की पेस्ट बना ली है। इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये टमाटर की पेस्ट अलग से बना ली है, 2 टमाटर की पेस्ट है। मैंने 250 ग्राम पालक ली है, उसकी भी अच्छी फाइन पेस्ट बना ली है मैंने। और मेरे पास 250 ग्राम ही पनीर है, ये मैंने लंबे टुकड़ों में काट के रखा है। अब हम शुरू करते हैं पालक पनीर बनाना। गैस ऑन कर लेंगे। इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 0 अच्छे से क्रकल हो चुका है, 0 अब हम इसमें अपना प्याज का पेस्ट डालेंगे, जो हमने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो इसमें डालेंगे। हमें प्याज को 2 से 3 मिनट तक भूनना है। अब हमें प्याज को फुल आंच पर 2 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे कि प्याज और लहसुन तक कच्चापन निकल जाए। अब 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें अपने पिसे हुए टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक आपके टेस्ट के अनुसार, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच। अब हम इन सबको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें अपनी पालक जो हमने पीस के रखी थी, मैंने इसे पालक को अच्छे से साफ करके धो के, खुले पानी में धो के अच्छे से उबाल के पीस लिए। अब इस तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। पालक को उबालते समय आप पानी में 1/2 चम्मच शक्कर डालेंगे तो पालक का रंग जो है ना वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, और गर्म पानी से निकालते ही तुरंत आप उसे ठंडे पानी में डाल दीजिए तो पालक एकदम ग्रीनिश कलर की रहेगी, उसका रंग काला नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें अपने पनीर के टुकड़े जो मैंने काट के रखे हुए हैं
वो डाल देंगे। अब हम पालक में आधा ग्लास दूध डालेंगे इसकी थिकनेस सेट करने के लिए। हम पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम दूध से ही सब्जी बना देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे। अब हम इसे 2 मिनट ढक के पकाएंगे, फिर हमारी सब्जी एकदम रेडी हो जाएगी। अब 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी पालक पनीर एकदम रेडी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी इस तरह से क्रश करके ऊपर से डाल, इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अब हमारी पालक पनीर एकदम रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए इसका कलर कितना फाइन आया है। आप भी इसी तरह घर पे जरूर बनाइए। अब हम अपना गैस ऑफ कर लेते हैं। अब हमारी पालक पनीर एकदम रेडी है। मैंने इसे जीरा राइस और सिके हुए पापड़ के साथ सर्व किया है। आप भी अपने घर पे ऐसे ही बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।